Hello dear students, my name is Dr. Vishali Ghai and the name of this channel is Tricks by Chemistry Guru. So bachcho, exams over ho gaye, results aa gaye. Ye basically aaj ka jo video hai 9th going 10th students ke liye. Jin bachcho ne 9th ke abhi exam diye hain, 9th class over ki and they have come to 10th class. Ye un bachcho ke liye. Bachcho 10th class mein aa gaye hain. Board hai. 9th mein acche marks bhi aaye honge, kuch bachcho ke kharab marks bhi aaye honge. Now the thing is, whatever marks you have got, the thing is, अब आपको किस तरह से मेहनत करनी है so that you can score good in your 10th class board. So when you talk about class 10th board examination, very important thing is you have to focus some important points. Like if I talk that you'll be having pre-boards in the month of December, so you have very limited time period. अगर आप अभी ये सोच रहे हैं हाँ ठीक है हम बहुत रिलैक्स्ड हैं आराम से हम अपनी 10th क्लास करेंगे तो बच्चों थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं बिकॉज दिस इज द बूस्टर टाइम दिस इज मींस द मंथ ऑफ अप्रैल मंथ ऑफ मे दीज टू मंथ्स अप्रैल और मे आपको बूस्टर टाइम की तरह यूज करना है और जिन बच्चों ने इस बूस्टर टाइम को यूज कर लिया तो बच्चों ये ध्यान रख लीजिएगा कि आपकी परसेंटेज बहुत ही अच्छी आएगी और इंक्रीज होगी. So if you want to get good marks in your 10th class board examination, so this is the right time to start with. So first thing is, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर 9th आप लोगों ने कर ली है पूरी अच्छे से preparation हो गई है exam दे चुके हैं 10th में आ चुके हैं so अब आपको 10th के लिए prepare होना है और 10th के preparation के लिए आपको focus होना है. सो वॉट यू आर सपोज टू डू इज फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताया कि आपका अप्रैल और मई मंथ बिल्कुल बूस्टर टाइम है. दैट मीन्स अगर आपने इन दो महीनों को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया यूज कर लिया तो आपके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. नाउ द थिंग इज आप इसे यूटिलाइज कैसे करें. सो सबसे पहले तो आपकी जो भी स्टडीज हैं आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको तीन पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. First you have is the numerical and the application part like maths and physics and chemistry. Chemistry is little bit analytical. So, आपको maths, physics and chemistry को एक group में लेना होगा. Second group होगा आपका जिसमें आपके पास आएंगी languages. If you have English, Hindi या संस्कृत या French जो भी है language you take. Okay? Along with English. And third आता है आपका कुछ ऐसे basic subject like social science and biology. जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स की जरूरत नहीं है जिसमें आपको ज्यादा चीजें लर्न करनी पड़ेंगी लाइक हिस्ट्री है पूरा आपको लर्न करना पड़ेगा कौन सी डेट्स हैं कब इवेंट्स हुए सो ऑल दीज थिंग्स. सो यू हैव टू डिवाइड दीज योर सब्जेक्ट्स इनटू थ्री कैटेगरीज. वन इज योर द एप्लीकेशन पार्ट दैट इंक्लूड्स मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. देन यू हैव योर लैंग्वेज पार्ट एंड थर्ड यू हैव योर सिंपल सब्जेक्ट्स वे यू हैव टू मग अप द कंसेप्ट द नॉलेज. तो पॉइंट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे. तो इन तीन पार्ट्स में आपको डिवाइड करके सबसे पहले अगर आप अपने एनालिटिकल पार्ट को न्यूमेरिकल पार्ट को कंप्लीट कर लें तो कंप्लीट का मतलब यह है कि अप्रैल और मई में अगर आप उन कोर्सेज को इन दोनों सब्जेक्ट्स को दैट मींस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स इन तीनों सब्जेक्ट्स को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका एक चीज जो कि आपकी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है आप उस पर फोकस कर पाएंगे. अब उसको कंप्लीट करने के लिए बेटा सिर्फ आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी. आपके टीचर्स एक सीक्वेंस से ही जा पाएंगे एक सिलेबस सीक्वेंस से ही जा पाएगा. इट्स ओनली यू हु कैन डू योर सेल्फ स्टडी एंड कैन मूव फर्दर. दूसरी चीज अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा लाइक यू आर गोइंग टू स्कूल और यू आर अटेंडिंग योर ऑनलाइन क्लासेस. देन अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को कम से कम 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी. And this is the right time to start with it. Don't leave your work for so long so that कि बहुत सारी चीजें हो जाए और लास्ट में आपको करना मुश्किल हो जाए. तो बच्चों बस यही ध्यान रखना है कि आपको शुरू से इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है. तो आप सब्जेक्ट्स को पहले तीन पार्ट्स में डिवाइड करें. अगर आप 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं देन प्लीज गिव योर 2 आवर्स फॉर योर एनालिटिकल कॉम्बिनेशन दैट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स.
सो बच्चों सिर्फ आपको यही कंसेप्ट ध्यान रखना है 4 आवर्स स्टडी जिसमें आपको 2+1+1 अरेंजमेंट का कॉम्बिनेशन रखना है, 2 आवर्स फॉर योर एनालिटिकल सब्जेक्ट मैथमेटिकल पार्ट दैट इंक्लूड्स मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 1 आवर फॉर योर लैंग्वेज पार्ट डेली एंड 1 आवर फॉर योर सोशल साइंस एंड बायोलॉजी. So make a timetable this way so that you can score good marks. So all the very best, best wishes for your next session, for your 10th class, and soon I'll upload chemistry sessions for your 10th class. So all the best, God bless you all. Thank you.